कैसे आजादी के बाद से देश को गढ़ा गया है, अलग अलग मुद्दों को लेकर जिस तरीके से स्थितियां देश के भीतर हैं, उसमें पीयूष जैसा एक युवा पत्रकार अगर उन अतीत को टटोलने की दिशा में वक्त लगा रहा है, तो इसका मतलब यह है कि यह देश आगे नहीं बढ़ रहा है, देश ठहर गया है, रुका हुआ है, पीछे जा रहा है। और हमने यह अध्ययन किया है, चाहे वो 1990 का दौर हो जो मंडल का मंडल चल रहा था, देश की इकोनॉमी पीछे चली जाती है, मौजूदा वक्त में भी जा रही है। पिछले दिनों ही खबर आई कि किस तरीके से इकोनॉमी 14 बरस के दौर में सबसे पीछे क्यों, इस पर अध्ययन हो रहा है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है। सवाल यह है कि जो नहीं जानते हैं उनके लिए आप लिख रहे हैं, जो जानते हैं उनके लिए लिख रहे हैं, या सिर्फ लिख रहे हैं? क्योंकि नेहरू को लेकर भी जो लिखा गया है वो आप उस रूप में, हमें लगता है एक किताब अरुण शौरी की है, कभी मौका मिले तो पढ़िएगा जिन्होंने नहीं पढ़ा है, वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स अम्बेडकर को लेकर लिखी गई थी, और मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी जब पहुंचे थे अरुण शौरी, तो उनका चेहरा काले रंग से पोत दिया गया था, क्योंकि उस किताब को पढ़ते समय आप बार बार ये महसूस करेंगे कि अम्बेडकर कोई आर्किटेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के नहीं है, और अरुण शौरी पर यह आरोप लगा था कि उन्होंने फैक्ट्स तो उठाए हैं अम्बेडकर के, लेकिन अपने मेंटल एस्पेक्ट से उन्होंने खड़ा है। हो सकता है जो नेहरू के दौर में हुआ और इस किताब में पढ़ते समय आप जो महसूस करें, आप सोच सकते हैं कि अरे जो नेहरू कह रहे थे ऐसा तो हिंदुस्तान रहा नहीं जा रहा था, कुछ जगहों पे आपको लगेगा उससे बेहतरीन है, कुछ जगहों पे लगेगा नहीं, कुछ सवाल आपके जहन में होने चाहिए, और मेरे ख्याल से नई पीढ़ी के जहन में तो ये सारे सवाल जरूर होने चाहिए, और पत्रकारों के जहन में तो होने ही चाहिए। संयोग ऐसा है कि हम जिस दौर में है उस दौर में क्रिटिकल नहीं हो पा रहे हैं, सवाल नहीं कर पा रहे हैं। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो इसका ये अर्थ कतई नहीं है हम उधर नहीं है तो हम इधर आके खड़े हो जाएं। ये स्थिति आ गई है क्या? ये स्थिति बनाई जा रही है, और उसमें संयोग से एक ऐसा वातावरण निर्मित कर दिया गया जिसमें आप इस रूप में उस दिशा में नजर आने लगे, और आपके पास भी कोई रास्ता ना बचे, आपको लगे उस दिशा में जा रहे हैं। जयराम जी ने भी हाल में किताब, जो किताब लिखी उन्होंने मिसेस गांधी पर लिखी, प्रकृति से मिसेस गांधी कैसे जुड़ी हुई थी, उसका हिंदी का अनुवाद आया हाल में, जरा भी वो किताब हम पढ़ रहे थे, और वाकई हम नहीं जानते थे कि प्रकृति को लेकर या एनवायरनमेंट बैलेंस करते हुए डेवलपमेंट की दिशा में कोई प्राइम मिनिस्टर भी सोच सकता है, मिसेस गांधी सोच रही थी। और पिछले दिनों जब हम गए हिमाचल की यात्रा पे, तो हमें उससे पहले जब हम गए थे तो हम देखते थे कि पूरा पंचकूला खुदा हुआ है, और पंचकूला का मौसम बड़ा ठंडा रहता, अच्छा पंचकूला पूरा गर्म हो चुका है, और परमाणु से लेकर सोलन तक पहाड़ जंगल काट दिए गए हैं। माने आपकी आंखों से आंसू निकल आएगा जिस रूप में वहां पर पहाड़ों को काट के गाड़ियों के लिए सड़क बनाई जा रही है, वो गजब का माहौल है। और उसको पढ़ते समय महसूस हुआ कि आखिर क्यों किसी देश में प्रधानमंत्री का क्या महत्व होना चाहिए, या किसी सत्ता का महत्व क्या होना चाहिए, हम उसको किस रूप में देखें, किस रूप में समझें। और बड़ा अद्भुत काम आपने किया है कि उस किताब में जिस तरीके से हम लोग भी बड़े अछूए पहलुओं को उसको पढ़ते समय फील कर रहे थे कि हम लोग भी इस रूप में डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन डेवलपमेंट में एनवायरमेंट बैलेंस होना चाहिए। आप दुनिया के किसी भी हिस्से में कोई भी भाषण दे आइए, पेरिस समझौते को लेकर खड़े हो जाइए ताल ठोक के, लेकिन अपनी ही जमीन को आप समझने को तैयार नहीं है किस दिशा में जा रही है, तो इसका मतलब क्या है कि हम क्या वाकई वैसी बहस में हमें जानबूझकर उलझाया जा रहा है जिसपे हम अध्ययन करने लगे और लोगों को बताने लगे कि देखिए जनाब सच ये है, हकीकत ये है, हो नहीं रहा है, और हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, बार बार हम पीछे लौट रहे हैं, हमें बताना पड़ रहा है सरदार पटेल और नेहरू के बीच क्या संबंध थे, हमें बताना पड़ रहा है कि कश्मीर को लेकर जो विचार आप रख रहे हैं, जिस रूप में रख रहे हैं वो गलत रख रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हम लोग समझ रहे हैं, हम तो बहुत देर बीजेपी के लोगों को भी जानते हैं, जो पढ़े लिखे कुछ लोग हैं। मुरली मनोहर जोशी ने बड़ा अच्छा काम किया है गंगा पर, इनकार नहीं है, और उन्होंने पूरा एक रिपोर्ट रखी कि वर्ल्ड बैंक कैसे चाहता है गंगा खत्म हो जाए, लेकिन ये बता रहे हैं गंगा को लेकर, ये गवर्नमेंट जो बता रही है नहीं बोल पाते हैं, नहीं बोल पाएंगे। यानी झटके में धीरे धीरे सवाल सिर्फ चेहरों की लड़ाई का नहीं है कि इसके सामने कौन सा चेहरा होगा, और यह भी नहीं है कि कारखाने की तरह कितनी बड़ी तादाद में लोग काम कर रहे हैं, सवाल यह है कि
एक ऐसे वातावरण में एक ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट ने अपने आप को लाके सामने रख दिया है जहां हम बार बार देखते हैं तो हमें महसूस होता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल पद है, यहां से तो कुछ अच्छी बातें कॉन्स्टिट्यूशनली निकल कर आएंगी। लेकिन बातें ऐसी होती हैं जिसके बाद हमें लगता है ये क्या बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं। देखिए ये अज्ञानता का दौर है, हमको लगता ही है सत्ता के जरिए हम लोग किसी ऐसी परिस्थिति में चले जा रहे हैं जिस परिस्थिति में हम बहस करने लायक नहीं बचे। हमें आप बताइए क्रिटिकल होने के लिए क्या हो सकता है। कांग्रेस पिछले दिनों जो इलेक्शन हो रहे थे जिसमें तीन राज्यों में वो जीती है, उन तीन राज्यों में पोस्टर बॉय कौन थे? मनमोहन सिंह थे। मनमोहन सिंह की इकोनॉमी ने इससे पहले कभी इजाजत नहीं दी थी किसानों को लेकर माफ कर्जा माफ कर दिया जाए। पोस्टर बॉय है इकोनॉमी के एस्पेक्ट में मनमोहन सिंह, लेकिन जिस इकोनॉमी की दिशा में देश की जरूरत अचानक आन पड़ी है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी और रूरल डिस्ट्रेस को लेकर हो रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हिंदुस्तान रियली बदल रहा है या रियली उस संकट में धीरे धीरे इन पॉलिटिशियंस की वजह से या इनकी सत्ता की वजह से ऐसी परिस्थिति में आके खड़ा हो गया है जहां पर वोट देने वाली ताकत जो है उसमें आपको अब निर्धारित करना है कि आपकी इकोनॉमी भी उस दिशा में जाएगी। अब करना मजबूरी है, ये बाद में देखेंगे कि कैसे भरपाई होगी, इतना हजार करोड़ बांट दिया कर दिया, बजट में स्पेस है या नहीं है वो बाद में देखा जाएगा। एक क्रिएटिव काम आप नहीं कर सकते हैं, कांग्रेस चाहकर भी इस दौर में बहुत क्रिएटिव नहीं हो सकती है क्योंकि उसको काउंटर किससे करना है या कोई भी जर्नलिस्ट भी नहीं हो पा रहा है क्रिएटिव कि उसको क्या करना है, किन चीजों से बचना समझना है, ये उसे समझ नहीं आ रहा। उसको समझ में आ रहा है सामने एक शख्स खड़ा है ऐसे पद पे बैठा हुआ है जिसने इस देश के भीतर एक नए तरीके का वातावरण बना दिया और उस वातावरण में कोई आवश्यकता ही नहीं है कि आप एजुकेटिव हो, आपके बच्चे एजुकेटिव हो। हाल ही में तो लिस्ट आई 4000 वैज्ञानिकों में से भारत के कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। और ऐसा नहीं है कि नहीं था पहले ज्यादा, पहले ज्यादा थे, भारत और चीन के बराबर थे, अभी वो दूसरे नंबर पर अमेरिका के बाद चाइना के वैज्ञानिकों और रिसर्चर स्कॉलर्स के नाम है। तो हम ऐसी चीजें क्यों क्रिएट करते चले जा रहे हैं, उस दिशा में लगातार क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं जहां पर आने वाले वक्त में ना आपके पास अच्छे पत्रकार होंगे, ना आपके पास अच्छे वकील बचेंगे, ना आपके पास अच्छे पढ़ाने वाले शिक्षक, बिल्कुल बचेगा ही नहीं। हम उस दिशा में जा रहे हैं लगातार और ये प्रयोग किया जा रहा है कि आप उस दिशा में जाइए। तो क्या ये देश, सवाल ये नहीं है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म की दिशा में जा रहा है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, सवाल ये है कि ऐसा वातावरण अगर बनाया जा रहा है तो एक ही व्यक्ति इस रूप में सामने खड़ा नजर आ रहा है और पूरा समाज उससे लगता है लड़ने को उतारू है, हम कुछ क्रिएट कर पाने की स्थिति में वाकई नहीं आ रहे हैं। ये बहस बार बार हो रही है कि तीन राज्यों में जीत गए। अरे जनाब, तीन राज्यों में इसलिए कांग्रेस जीत गई क्योंकि जो टेक्निक है चुनाव जीतने की, शेख हसीना का आप देखिए बांग्लादेश से जरा इसको रिलेट करने की कोशिश कीजिए, शेख हसीना ने वही काम किया जो यहां पर अमित शाह कर रहे हैं। आपके पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ से लेकर सोशल मीडिया से लेके और तमाम चीजें उसने इस तरीके से कर दिया, वहां पर बाकियों के पास 10% सीट भी नहीं आ पाई, अमित शाह ने यही किया। लेकिन इनकी सबसे बड़ी मुसीबत क्या है, इनकी कनेक्टिविटी समाज के किसी भी व्यक्ति से है ही नहीं, अपनी पार्टी के भीतर नहीं तो कनेक्टिविटी किससे होगी। धीरे धीरे जो कविता ब्रेक की पड़ी जा रही थी, धीरे धीरे हर कोई समझ रहा है कि आज नहीं तो कल वह भी छला जाएगा। भाई आपने सीबीआई को समझा, आपने ईडी को समझा, आप सीबीसी को समझ रहे हैं, आप सीआईसी को समझ रहे हैं, आप इलेक्शन कमीशन को समझ रहे हैं, आप धीरे धीरे मीडिया को समझ रहे हैं, आने वाले वक्त में सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया डेमोक्रेसी को लेकर, इंस्टीट्यूशंस के भीतर भी ये सवाल आने लगे, तो ये सवाल हर जगह आएंगे और ये कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है समाज के भीतर। तो आपका टेक्निकल एस्पेक्ट चुनाव जीतने का अपनी जगह रहेगा और कनेक्टिविटी जब जनता से नहीं है, क्योंकि ये दोनों अगर जुड़ जाए तो कॉकटेल इनको कोई हरा ही नहीं सकता है, क्योंकि कांग्रेस ने उस दिशा में जमीनी तौर पर कभी काम किया ही नहीं, पहली बार उसको यह समझ में आया कि इस रूप में चीजें होनी चाहिए तो वो कर रही है। तो नेहरू के दौर की पॉलिटिक्स और मौजूदा दौर की पॉलिटिक्स को आप मिलाएंगे कैसे, और उस दौर में जो मिक्स्ड इकोनॉमी का जिसका जिक्र हो रहा है, तो हम तो उस दौर में माओ को देखेंगे, हम नेहरू के दौर में अभी को क्यों देखेंगे। माओ तो छोटे छोटे उसमें काम करने लगे, यूनिवर्सिटीज के लड़कों को गांव भेज दिया, बोलने लगे कि भाई छोटे छोटे स्तर पर जो भी हो सकता है इकोनॉमी को उस तरह डेवलप करो, और वो तो 70 के दशक में उस मार्केट इकोनॉमी की दिशा में बढ़ते हैं। तो ये प्रोसेस है, वो दौर अलग था, लेकिन हमको बार बार लौटना पड़ रहा है उस प्रोसेस में। और अगर इस किताब को लेकर आप नागपुर में विमोचन करेंगे, हो सकता है कि वहां आपका मुंह काला कर दिया जाए। अब आप क्या करोगे, वहां पर बैठे हुए हैं, हालांकि नागपुर इस दिशा में हम बड़े लंबे समय तक रहे हैं,
इस दिशा में नहीं है, लेकिन हमारा यह कहना है समाज के भीतर की खटास जो है वो इतनी एक्टिवेट कर गई है कि पूरी पॉलिटिक्स और सत्ता के इर्द गिर्द की चीजें हमको सोचने को लगातार मजबूर किया जा रहा है। और इन हालातों को कैसे किस रूप में हम डेवलप कर सकते हैं नए तरीके से, ये सवाल हमारे सामने बच ही नहीं पा रहा है। और इस किताब को पढ़ते समय हम लगातार पढ़ रहे थे और हम अपने ब्रिटिश में दिखाते भी रहे, चाहे गौ हत्या का मसला आया हो, नेहरू ने क्या क्या, महात्मा गांधी ने क्या क्या, कश्मीर को लेकर जब ये श्याम प्रसाद मुखर्जी का जिक्र करते थे तो हम दिखाते थे महाराज नेहरू क्या कर रहे। ये काम तो हम लोग कर रहे थे उस पूरे प्रोसेस में और हर दिन कर रहे थे। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर किसी प्राचीर से भाषण देते थे हम काउंटर करते थे, जनाब आप गलत बोल रहे हैं, फैक्चुअली गलत अगर बोला जा रहा है तो आप क्या करोगे, फैक्चुअल बोल कौन रहा है भाई, इस देश में प्राइम मिनिस्टर बोल रहा है, अब आप क्या कर सकते हैं, इसका क्या उपाय है आपके सामने, हम उसको कैसे काउंटर करें। तो हमें ये बार बार ये महसूस करना भी होगा और समझना भी होगा कि हम क्या किसी पार्टी की आवाज के तौर पर सुने जा रहे हैं या इंडिपेंडेंट आवाज के इंस्टीट्यूशन की बची गई जो बच ही नहीं पा रही है किसी भी लेवल पे, इंडिपेंडेंट वॉइसेस खत्म हो गई, इनकी जरूरत नहीं है, 17 करोड़ मुसलमानों की जरूरत नहीं है, 20 करोड़ दलितों की जरूरत नहीं है, सबको शांत कर दिया गया जैसे उस देश के नागरिक ही नहीं है, कुछ इस रूप में उनको ले आया गया, क्योंकि नागरिक का मतलब तो बड़ा क्लियर है, वोट डालेंगे तो डेमोक्रेसी है, नहीं डालेंगे तो वो डेमोक्रेसी के खिलाफ है और डेमोक्रेसी को वोट से निर्धारित कर दिया गया है। अब इन्होंने कहा हमें आपकी जरूरत ही नहीं है, एक तबके को कहा कल दूसरे तबके को कहेंगे, परसों तीसरे तबके को कहेंगे, तो डेमोक्रेसी नए रूप में परिभाषित हो गई, अच्छा इनको जरूरत ही नहीं है। लेकिन डेमोक्रेसी ये भी कहती है जो जिसे जनता ने चुना वो जिस भी रूप में जीत कर आया वो डेमोक्रेटिक है, भाई ठीक है अच्छी बात है। अगले हफ्ते पीएमओ लगने वाला है रामलीला मैदान में 2 दिन के लिए, लोहिया ने वहां पर खड़े होकर नेहरू की रईसी पर उंगली उठाई थी, जेपी ने वहां पर खड़े होकर इंदिरा गांधी की तानाशाही को चैलेंज किया था। उस रामलीला मैदान में अंग्रेजों के खिलाफ नेहरू ने भी भाषण दिया, पटेल ने भी दिया, महात्मा गांधी भी पहुंचे। अब आप सोचिए कि अगर पीएमओ उठकर रामलीला मैदान में चला गया जो 2 दिन जा रहा है 11 और 12 जनवरी को, एक पूरी सत्ता वहां पर रहेगी, तो जरा समझने की कोशिश कीजिए संघर्ष की जगह को सत्ता कब्जा कर रही है ये कहने और बताने के लिए कि हम ही संघर्ष कर रहे हैं। तेजस्वी यादव का जब जन्म हुआ होगा गोदी में होगा उस समय के घोटाले का वो आरोपी हो जाता है, अच्छी बात है, तो आप क्या करते हैं? इसको फीलिंग में है, जो जो छले गए वो जान रहे हैं कि आज नहीं कल बिहार में वो लोग समझ रहे हैं कि यार ये तो हमें भी छलेंगे, ये कनेक्टिविटी है लोगों के बीच की। राहुल गांधी को जोड़ दिया जाएगा इमरजेंसी से, जोड़ दीजिए उस समय उनकी क्या उम्र थी पता कीजिए, यानी आपके जो हिस्टोरिक एस्पेक्ट्स हैं उसको वर्तमान में लाकर आप बार बार अतीत की दिशा में ले जाना चाह रहे हैं हिंदुस्तान को, जहां से आप आगे देख पाने की स्थिति में ना आए, और ना आए तो एक तबका जो कारखाने की तरह जिक्र हो रहा है लगा हुआ है, वो लगा हुआ है वाकई इस तरीके से कि आप बार बार उन्हीं परिस्थितियों को देखें और आगे की सोचे ही नहीं, और नहीं सोचा जा रहा है, ये फैक्ट है और ये किताब उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। जिसने भी पढ़ा है नेहरू को, आप इस किताब को पढ़ना शुरू करेंगे आपको लगा रही है तो मैं जानता हूं, अच्छा ये भी मैं जानता हूं, ये भी मैंने पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। फिर तो हम लोग कहीं ठगे भी जा रहे हैं, वोट भी बन रहे हैं और उनके जाल में फंस भी रहे हैं, और आगे की परिस्थिति नैरेटिव्स क्या होने चाहिए किस कोई बताने की स्थिति में नहीं है, कौन से नैरेटिव्स होने चाहिए भाई, ये कौन नहीं जानता है कि आज की तारीख में जो गायों की समस्या आ गई है उसकी एक इकोनॉमी भी है, और इनके पीरियड में सबसे ज्यादा कत्लगाह काम कर रहे हैं और इसकी इकोनॉमी का सरकार को लाभ मिल रहा है, कौन नहीं जानता है। लेकिन उसके साथ गाय के साथ सारी चीजें जुड़ती चली गई, धर्म जुड़ गया, खाने के तरीके जुड़ गए, उसके बाद फिर तंत्र भी जुड़ गया, एक पूरा प्रोसेस जुड़ गया। अब इसमें आप नेहरू को याद करेंगे क्या, महात्मा गांधी को याद करेंगे, कर लीजिए। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा देखिए, कमलनाथ ने सत्ता में आते ही कहा हम जो है गौशाला बनाए गए, अभी अभी तो चुने गए हैं, अभी बनाएंगे, ठीक है 5 साल है आप बना भी लेंगे,
लेकिन प्राथमिक जो चीजें आपको करनी है कीजिए, वो तो आज चौथे वर्ष में आपको बताना था हमने ये किया है। आप जरा उसकी आवाज को सुनने की कोशिश कीजिए कि वो कौन सी स्थितियां हैं जिसमें कट्टर हिंदुत्व और सॉफ्ट हिंदुइज्म टकरा रहा है, वो कौन सी स्थितियां हैं जिसमें इनके इशू और उनके इशू एक साथ मिलकर आपको उस दिशा में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें आप लगे चलिए ये कुछ तो ठीक है, वो तो कुछ गड़बड़ है। हम लोग इसी में फंस गए हैं और संयोग वाकई ऐसा है कि हमें चुनना है, और आप खलनायक को तो चुनेंगे नहीं जो सबसे बड़ा खलनायक होगा, क्या करेंगे। तो इसका मतलब एक ये है कि हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स एक ऐसी दिशा में ले जा रही है जहां पर नायक कौन निकलेगा नहीं पता है, लेकिन कौन अच्छा और कौन बुरा है बस इसी में से एक हल्की लकीर है, आपको चुनना है, चुन रहे हैं और उसी दिशा में चीजें जा रही हैं। रामविलास पासवान के अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में जो डायलॉग सुनिएगा हिंदू और संघ को लेकर आप हैरत में आ जाइएगा, इतने विभत्स डायलॉग थे। और उस डायलॉग का जिक्र देश के प्रधान सेवक ने भी किया मंच से, लेकिन वो साथ खड़े हैं। सपोज कीजिए वो उठ के इधर से इधर आ गए तो आप क्या करेंगे। इसका मतलब है फिलॉसफी गायब है, एक नए तरीके से डेमोक्रेसी रची जा रही है और इस डेमोक्रेसी के अक्ष में नेहरू गांधी को देखने का प्रयास हमें बार बार ऐसा लगता है कि बार बार पीछे की दिशा में लगातार जा रहे हैं, हमें आगे की दिशा में सोचना चाहिए। और कम से कम युवा जर्नलिस्ट जो होते हैं वो इस देश को नैरेटिव्स दें। इस किताब का एक हिस्सा हमको लगता है पीयूष आपको कोशिश करनी चाहिए कि नेहरू से लेकर नेहरू जिस भारत को गढ़ना चाह रहे थे उस भारत को गढ़ते गढ़ते आज जब हम यहां पर पहुंचे हैं तो इसके आगे का हिंदुस्तान कैसा होना चाहिए हमारे नैरेटिव्स होंगे। हम किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी उस फिलॉसफी में मत फंसिए, कहां जरूरी है कि आप फिलॉसफर ना हो जाए, आप अध्ययन कीजिए चीजों को आगे डेवलप कीजिए आगे बताइए। आप ये भी बताना होगा, हम सिर्फ इसको कह के चुप नहीं हो सकते हैं कि हमने तो फैक्ट रख दिया, नेहरू ने यह कहा था, हमने एक मेहनत की और उसको ले आके रख दिया मंच के कागज में छपा हुआ है, पढ़ लीजिए ये जो कहते हैं ये फ्रॉड कहते हैं। अरे जनाब वो कितना भी फ्रॉड कहते हैं आप कितना भी सच लिखेंगे इसी में चीजें फंस कर रह जाएंगी। हमें विजन भी आपको लेकर आज बहुत बहुत शुक्रिया।